थोड़े दिन पहले मैं आराम से बैठे बैठे अपना कंप्यूटर चला रहा था और मैंने देखा एक वीडियो रिकमेंड में आई मेरे, उसका नाम था एंटर ड्रैगन वर्सेस मिथ पैट, वेरी इजी। तो मैंने ऐसे सोचा कि मैं भी सीखता हूँ एंटर ड्रैगन कैसे मारते हैं, क्योंकि मुझे भी एंटर ड्रैगन मार के एक वीडियो बनानी थी। तो मैंने क्लिक करा वीडियो पे, तो मैंने देखा यहाँ तो कुछ और ही नौटंकी चल रही है, एक मुर्गी का नाम एंटर ड्रैगन रख दिया इसने। मैं हैरान हुआ, दुखी भी हुआ, परेशान भी हुआ, लेकिन फिर एक अच्छे यूट्यूबर की तरह मैंने सोचा बड़े यूट्यूबर की कॉपी करो, लेकिन थोड़ा नेक्स्ट लेवल ले जाते हैं। 500 ड्रैगन, आई किल 500 ड्रैगन, ऐसा कुछ टाइटल मैं बनाता हूँ। तो मैंने अपने दोस्त को कॉल करा, उसको गुस्सा आया मेरे पे, कह रहा ये क्या दिखा रहा मुझे नौटंकी। मैंने कहा यार यही चलता है यूट्यूब पे भाई। उसने कहा ना 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 ना, ये सब नौटंकी मैं करेगा तो मैं तेरे को कुछ नहीं सिखाऊंगा। मैंने कहा यार क्यों यार। उसने बोला ये वीडियो देख। तो मैंने एक वीडियो देखी, उस वीडियो को जब मैंने खोला तो मैंने देखा एक आदमी माइनक्राफ्ट को हार्डकोर पे 5 साल से खेल रहा है, 5 साल। तो मैंने कहा यार 5 साल से, और 5 साल बाद वो मर गया। जब वो वीडियो देखी तो मैं दुखी हुआ बहुत, मेरी रिस्पेक्ट बढ़ गई उस आदमी के लिए बहुत ज़्यादा, एक गेमर की रिस्पेक्ट उसने प्राप्त करी मेरी। और मैंने भी निकल गया अपनी जर्नी पे, हार्डकोर की जर्नी पे माइनक्राफ्ट में। आइए शुरू करें माइनक्राफ्ट हार्डकोर की जर्नी। एक अच्छे माइनक्राफ्टर की तरह मैंने पेड़ काटना शुरू कर दिया, आते ही पेड़ों को उजाड़ना शुरू कर दिया। और जब मैंने उजाड़ लिया तो मैंने अपने टूल्स बनाए। टूल्स बनाने के बाद मेरी खोज थी कोबलस्टोन ढूंढने की, और मैं बहुत लकी था जो मुझे कोबलस्टोन मिल गया। लेकिन मेरी कलर ब्लाइंडनेस की वजह से मुझे पता नहीं लगा कि कोबलस्टोन था या नहीं, और मुझे पता लगा ये डायोराइट है। मैं दुखी हुआ, मैंने कहा यहाँ तो गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ से भागो, क्योंकि जंगल है और आराम से ज़ॉम्बी पोम्बी आती हैं। तो मैं फड़फड़ाता हुआ किसी और जगह पर चले गया। मैंने सोचा विलेज ढूंढना है अपने को, विलेज ढूंढना ही मेरा मकसद था गेम में, विलेज में ढूंढो और वहाँ पे रिसोर्सेज ढूंढ के खाओ। लेकिन तभी मैंने देखा सूरज नीचे आ रहा है, सूरज नीचे आ रहा था। तो मैंने देखा अब यहीं पर अड्डा बना लेता हूँ, एक काम करता हूँ। मैंने अपनी बोट को तोड़ा और पत्थर तोड़ने लगा एक अच्छे माइनक्राफ्टर की तरह। और जब मैं पत्थर तोड़ ही रहा था तो मैंने देखा पीछे का तो खाली था, तो मैंने उसमें डस्ट लगा दी। और डस्ट लगाने के बाद मेरे को आवाज़ें भी आने लगी थी अजीब अजीब रात में। मैं डरा, लेकिन मैंने और पत्थर लगा दिए। मैंने कहा अंदर ना जाए कोई भी। पूरी रात मेरी ऐसी ही खौफ में निकल गई। तीर कमांड लेके एक हड्डी उछल कूद कर रही है और वो भस्म हो गई एकदम से। तो मेरे जान में जान आई और मैंने इस बार अपनी खिड़की को लकड़ी से ब्लॉक कर दिया, जिससे कोई भी तीर कमांड मेरे सिर पे ना मार पाए। और मैं कोल ढूंढने लगा, पूरी रात कोल ढूंढता रहा, क्योंकि कोल के बिना हम खाना नहीं पका सकते, और बिना खाने के हम मर भी सकते हैं। और हंगर बार भी मेरा कम हो जा रहा था, मैं बेचैन हो गया, नीचे तक खोद डाला, लेकिन मुझे कोल प्राप्त नहीं हो पाया। तो मैंने सोचा जैसे ही अगले दिन होगा यहाँ से निकल लेंगे, क्योंकि यहाँ ना कोल है ना कुछ खाने का है। तो मैं अगले दिन होने का इंतज़ार करने लगा। तीसरे दिन मैंने सोच लिया था कि एक विलेज ढूंढ के ही रहना है, क्योंकि विलेज के बिना कुछ हो नहीं पाना, और खाना भी जल्दी से खाना है, नहीं तो मेरी हालत टाइट हो जाएगी। तो मैंने एक सुअर देखा, मैंने उसको मारा। सुअर के स्वाद लेने के बाद मैंने सोचा अब या तो कोल ढूंढो या विलेज कुछ तो ढूंढो, क्योंकि हेल्थ भी कम हो रही है और ये हार्ड कोर है, यहाँ पर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। तो मैं इधर उधर भटकता रहा, देखता रहा कहीं से कुछ मिल जाए। और यहाँ पे सोचा अब रात होने से पहले फटाफट से यहाँ पे खुदाई कर दो। और एक अच्छे सिविल इंजीनियर की तरह मैंने एक बीम और एक कॉलम पहले बनाना सोचा, उसके बाद फ्रेम लगाया।
और ऐसे ही रात हो गई तो मैंने अपना एक दरवाज़ा तोड़ा क्योंकि यहाँ पे आवाज़ बहुत ज़्यादा लाउड थी। मैं कंफ्यूज था तो मेरे को दिखा था कि कॉल मुझे मिल चुका है, साइड में ऐसी कॉल था तो मैंने दो टॉर्च ली, एक इधर लगाई एक इधर लगाई, लेकिन आवाज़ फिर भी नहीं जा रही थी, इतनी तेज आवाज़ थी मैं समझ नहीं पा रहा था हो क्या रहा है। अब गाइस आ चुका था मेरा चौथा दिन हार्डकोर का, अब मैं अभी तक सोया नहीं था, हंगर बार भी मेरा कम हो जा रहा था, तो मैंने अपने हाथ में तलवार ली और सोचा कि आज किसी चीज़ को मार के खाऊंगा। तो मैंने देखा मेरे को ही मारने आ गया ये क्रीपर, मैं डरा लेकिन मैं सोचा अगर मैं मारूंगा नहीं तो सीखूंगा कैसे, तो मैंने उस पर आक्रमण कर दिया क्रीपर पे ही बिना डरे। मैंने कहा घर किधर है, मैं भटक गया बहुत बुरी तरह, बहुत मुश्किल से जाके मैं अपने घर तक पहुंचा वापस। और फिर मैंने एक कॉलम लगाया, मैंने कहा ये निशानी होगी मेरे घर तक की, मैं कहीं भी जाऊं लेकिन ये कॉलम हमेशा मेरे साथ रहेगा और मैं देख पाऊंगा कि मैं कहां पे हूं। लेकिन मैं फंस गया खुद ही, मैंने कहा अगर मैं यहां से गिर गया तो अभी मेरी मौत हो सकती है, और गलती से मैं नीचे गिरा, मेरा हेल्थ कम हुई, हंगर बार भी कम था, मैं डर भी रहा था, मैंने कहा क्या हो गया, लेकिन मैंने सोचा कि घर जाने से पहले मैं निशान लगा देता हूँ पेड़ों की, पेड़ों पे मार्किंग करने लगा मैं, एक ब्लॉक तोड़ता था जिससे मुझे पता लगे कि इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। एक दो तीन चार पाँच 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 मछलियों को मारा और वहाँ से निकल गया अपने घर की तरफ। मैंने कहा हंगर बार बहुत ही कम हो चुका है और जल्द मेरे पास फर्नेंस और कुल सब कुछ था, तो मैंने पहली बार अपने कुक फूड के मज़े भी लिए, पहली बार। अब मैंने सोचा कि और नीचे डिगिंग करते हैं, क्योंकि मुझे इतना पता था कि नीचे डिगिंग करते हैं तो कुछ अच्छा होता है, तो मैं नीचे डिग करने लगा। आवाज़ बहुत तेज़ हो रही थी ज़ॉम्बी की, तो मैंने देखा एक गुफा में आ गया हूँ मैं, तो मैंने इधर थोड़ा पास जाके देखने की कोशिश करी गुफा कैसी है, तो एक क्रीपर मेरी तरफ आ रहा था, मैं डरा, मैंने ब्लॉक्स लगा दिए उधर और मैं नीचे खोदने लगा। नीचे खोदा तो एक हड्डी वाला ज़ॉम्बी मेरी तरफ तीर कमांड लेके खड़ा था, उसने मेरे सिर पे मारा, दो बार मारा, मेरे दो हट हो गए थे। अब मैंने कहा ये चौथा दिन ही है कि मेरा आखिरी, तो मैंने एक बैरियर बना लिया और फटाफट से खाना खाया और मैंने और नीचे खोदने लगा। लेकिन मैं एक चीज़ समझ गया था यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ नहीं होना खोदने से, और मैं सोच लिया था यहाँ पे डेंजर भी है, तो मैं अगले दिन मैंने ये सोचा कि अगले दिन होते ही मैं विलेज की तलाश में निकल जाऊँगा यहाँ से बाहर। अब हो गया था पाँचवा दिन और मैं सोचा इस आइलैंड से निकलो, इस आइलैंड को अलविदा करते हुए मैं अपनी बोट पर चलने लगा, और मेरा हंगर बार भी कम था, तो मैंने एक गाय देखी और मैंने देखा एक बछड़ा अपनी गाय का दूध पी रहा था, तो मैंने सोचा यार ये पहली बार ही देखा था मैंने बछड़ा गाय के माइनक्राफ्ट के अंदर। मैंने इन्हें कुछ नहीं कहा, मैंने कहा इनको रहने दो, लेकिन तभी मुझे एक सुअर दिखा, तो मैंने कहा इस सुअर को, सुअर का मांस ले लिया मैंने, एक मुर्गी दिखी लेकिन मुर्गी काफ़ी तेज़ थी, ये वाली छोटी छोटी जगहों से निकल के ये कहीं और गुफा में नीचे पहुँच गई। फिर मैं थोड़ी दूर आया तो मैंने देखा यहाँ पे कोल ही कोल है, मैंने इतना कोल अभी तक नहीं देखा था, मैंने कोल लिया और मैं यहाँ पे डर भी रहा था कि मैंने देखा यहाँ काफ़ी ज़्यादा घना जंगल है, मैं अंदर जा ही रहा था जंगल के अंदर जा रहा था कि विलेज मिलेगा मुझे, कुछ तो मिलेगा, और इसी ऐसी भटकते भटकते रात भी होने लगी थी, तो मैंने सोचा अब अपना अड्डा बनाना के टाइम आ गया है, तो मैंने यहाँ पे डस्ट को खोदा। तो डस्ट को खोदने के बाद मैंने यहाँ पे अपना आशियाना बना लिया और यहाँ पे एक टॉर्च लगाई और यहाँ पे अपने फर्नेस और क्राफ्टिंग टेबल रख दी। तभी मैं खोद ही रहा था तो मैंने देखा सुनामी आ गई है, मैंने कहा यहाँ से भी निकल जाऊँगा मैं अगले दिन। मैंने अपने सारा औजार वजार लिया और मैं एक बोट पे रवाना हो गया दूसरे आइलैंड की तलाश में, और आइलैंड की तलाश में रवाना हो ही रहा था तो पूरी रात हो चुकी थी, और मैंने देखा अब कौन से आइलैंड पे जाऊँ, तो एक आइलैंड देखा तो वहाँ पे ज़ॉम्बी खड़ी थी और एक पानी में से तैरता हुआ ज़ॉम्बी मेरी तरफ आ रहा था, तो मैं भाग ही रहा था तो मुझे एक आइलैंड दिखा, काफ़ी अलग आइलैंड था ये, अभी तक मैंने ऐसा आइलैंड नहीं देखा था जहाँ पे मशरूम थे, और एक काउ दिखी जिसके पेड़ पे सिर पे मशरूम उगे हुए थे। मैं हैरान भी हुआ, मैंने कहा ये पहली बार देखा था मैंने माइनक्राफ्ट में, अभी तक ऐसा कुछ देखा नहीं था,
तुमने अपनी बोट को तोड़ा और फटाफट से बोट को लेने की कोशिश करी पानी में अंदर जाके, लेकिन बोट मेरे हाथ नहीं रख पाई और मैं बाहर आया कि मैं मर ना जाऊँ। मैंने इसको ध्यान से देखा तो मैंने देखा इसके सिर पे पूरे काली आँखें थी, इसकी इस गाय की काली आँखें थी और इसके सिर पे मशरूम उगे हुए थे। इसने मुझे बुलाया लेकिन मैंने नहीं सुना, मैं भाग गया। मैंने देखा वहाँ पे एक रोशनी है, अजीब सी रोशनी। मैंने कहा ये कैसी रोशनी है रात में, वो भी तो लावा को मैंने ढकने की कोशिश करी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि लकड़ी जो है वो जल सकती है, असली में तो जलती है, मुझे पता नहीं था कि गेम में भी जल सकती है। तो गेम में जब लकड़ी जली तो मैं डर गया, मैंने कहा भाई लावा ना फैल जाए मेरे आइलैंड पे। तो मैंने फटाफट से लावा को ब्लॉक करने की कोशिश करी, जितने साधन थे सारे साधन लगा दिए मैंने। अब सातवें दिन मैंने सोचा कि इस आइलैंड को और एक्सप्लोर करते हैं, तो एकदम से बारिश हो गई। अब बारिश में मुझे इतना ज़रूर पता था कि जब बारिश होती है तो बादल होते हैं, बादल होते हैं तो सूरज नहीं होता, सूरज नहीं होता तो ज़ॉम्बी आते हैं, ज़ॉम्बी आते हैं तो मेरे को खतरा होता है। तो मैंने फटाफट से यहाँ पे अपना घर बना लिया। तो ये हो गया गाइस तैयार हमारा घर। रात हो चुकी है लेकिन फिर भी मैंने अपना घर तैयार कर लिया है। और मैंने अब सोचा कि नीचे डिगिंग करता हूँ, क्योंकि नीचे डिगिंग करने से कुछ अच्छा होता है इतना मुझे पता था। लेकिन मैंने देखा अगर ऊपर एक दैत्य उड़ रहा है, उसकी आवाज़ भी आई मेरे को, मैं डरा। लेकिन मेरे अंदर की क्यूरोसिटी थी, तो मैं बाहर गया। उस दैत्य ने, तीन दैत्य थे, उन तीनों ने मेरे पे हमला करा तो मैं डरा। मैंने कहा मेरी हेल्थ कम हुई, मैं डरा, मैंने ढक दिया। और ऐसे ही सातवें दिन हमारा निकल गया। आठवें दिन मैं अपने दोस्तों को डिस्कॉर्ड पे स्ट्रीम भी कर रहा था, अगर आपको भी देखना है मेरे को खेलते हो हार्डकोर पे तो आप भी मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं डिस्कॉर्ड पे। तो मैं डिस्कॉर्ड पे स्ट्रीम ही कर रहा था तो मेरे को एक आइटम दिखा, कुछ था फ्लिंट करके था कुछ, पहली बार देखा था ये आइटम, मेरे को कोई आइडिया नहीं था ये क्या है। फिर मैं आगे चलता रहा, मेरे को एक और आइटम दिखा, टूट गया तो अगर टूटता नहीं, मैंने इसको काटने की कोशिश करी। तो मेरे एक जो माइनक्राफ्ट का थोड़ा अच्छा प्लेयर है उसने मुझे बताया कि यह आइटम आपको नहीं मिल सकता, आपको इसके लिए एक पिकैक्स चाहिए, आयरन की पिकैक्स शायद उसने ऐसा कुछ बोला था मुझे। तो मेरे को आयरन भी मिल गया था, लकी था मैं, थोड़ी दूर जाते ही मेरे को आयरन मिल गया था। पहले आयरन पिकैक्स बना लो। अरे हाँ मिला ये। जब मैंने आयरन के पिकैक्स लेके आया तो मुझे आइटम मिलने लगा, मैं खुश भी हुआ बहुत ज़्यादा। चल अब वापस चलते हैं आगे। भाई कितनी तेज टूट रहा है। तो कुछ भी नहीं है। आठवें दिन मैंने कुछ नहीं करा, सिर्फ खुदाई करता रहा। और आठवां दिन हमारा ऐसे ही कट गया। आया ये क्या है, फ्लिंट एंड स्टील। तो यहाँ पे एक नया आइटम आ चुका था, फ्लिंट एंड स्टील। तो मेरे एक दोस्त ने बताया ये आग लगा सकता है ज़मीन पे, मुझे एक्चुअली आइडिया नहीं था, उसने मेरी हेल्प करी। नहीं लग रही यहाँ पे भाई, ये क्या मिल गया। फिर मैं निकल गया वापस, तभी मुझे आवाज़ आई गाय की। चलना है क्या तो मेरे साथ, चलना है, आ जा। Nope. तो मुझे एक भेड़ दिखी, मैंने भेड़ को मारा, वूल मिला। भाई बेड मिल जाए ना मज़ा आ जाए, यहीं पे लगा के सो जाऊंगा रात में। एक्चुअली बेड के लिए हमें दो शीप और मारनी पड़ेगी तब जाके हमारा बेड बनता है। भाई गुफा गुफा है यहाँ तो। और इस केव को देख के मेरे दोस्त ने बोला ये तो बहुत प्यारी जगह है, ये प्यारी जगह है, यहाँ तो खजाना ही खजाना लग रहा है मेरे को। ऐसा खजाना मारेंगे ना तेरे मुंह पे, तुम उड़ जाएगा भाई। मैं तो यहीं पे छुप जाऊंगा रात में ना, गड्ढा खोदूंगा और सो जाऊंगा फटाफट। मैंने गड्ढा खोदा और यहीं पे मेरा नौवां दिन भी कट गया। दसवें दिन मैं अपनी गुफा से बाहर आया और मैंने देखा एक नया दिन था, और दस दिन मैं सरवाइव कर चुका था। मुझे एक आइलैंड दिखा अपने सामने की तरफ, जो कि रात में मुझे दिख नहीं पा रहा था। और पहली बार मैंने बर्फ देखी। अरे बर्फ, बियर है यहाँ तो, भालू, हाँ पोलर बियर, बर्फ में आ गया हूँ मैं, उसकी बच्चा है छोटा। पहली बार ही देखा था मैंने भालू को, मेरे दोस्त ने बोला मार दे मार दे,
मैं डरा भी हुआ था कि अगर मैं इस बोट से नीचे आया कभी भालू मेरे आक्रमण ना कर दे, अगर भालू मेरे पे आक्रमण करता तो मैं शायद मर जाता, तो इसलिए मैंने बोट नहीं छोड़ी अपनी और मैं वहाँ से निकल गया। फिर मैं एक डेजर्ट आइलैंड पे आया और मैंने देखा कितनी सही सीनरी थी कि सामने बर्फ़ थी और इधर डेजर्ट। फिर मुझे बिल्डिंग दिखाई दी, मैं खुश हुआ, मैंने कहा वाओ मेरे को आखिरकार विलेज मिल गया। अरे भाई विलेज मिल गया। ऐसा करके मैंने जताई अपनी खुशी को, ऐसा जताया। हाँ अरे कैक्टस से पहली बार कैक्टस से पिटाई पड़ी। होप आपको अच्छा लगा होगा ये एपिसोड। अगर आप चाहते हैं इसका अगला एपिसोड आए तो लाइक करें, एम करते हैं 1,00,000 लाइक का। जिन्हें भी माइनक्राफ्ट पसंद है उन्हें शेयर करें, बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में मेरी। होप आपको अच्छी लगी हो, कोशिश मैं करूँगा अगले 10 दिन फटाफट लाऊँ आपके लिए, लेकिन आप मुझे खुश कर दो और ये वीडियो को शेयर कर दो।